प्यारे बच्चों, आपका फिर स्वागत है मेरी क्लासेस फिरोजाबाद में। अपने चैप्टर चल रहा था एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें एनसीईआरटी क्वेश्चन कर रहे थे। जो एनसीईआरटी क्वेश्चन आज मैं करने वाला हूँ, ये काफी टफ है, आपको ध्यान ना देने पर बहुत दिक्कत आ सकती है, इसलिए पूरे अटेंशन से क्वेश्चन समझे और आंसर समझे। क्वेश्चन है, अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 4×10⁻¹⁷ मीटर स्ट्राइक ऑन मेटल सरफेस, द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल बीइंग 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ फोटोन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या मतलब हुआ? वो कह रहा है एक मेटल है, उसकी सरफेस पर लाइट गिर रही है, लाइट का जो फोटोन है उसकी वेवलेंथ है 4×10⁻¹ मीटर और वर्क फंक्शन है 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो लाइट गिर रही है उसकी वेवलेंथ दे रखी है और वर्क फंक्शन दे रखा है, और आपको निकालना क्या है, निकालनी है तीन चीजें, जो फोटोन गिरा उसकी एनर्जी, जो फोटोन के गिरने से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा उसकी आपको काइनेटिक एनर्जी भी बतानी है और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी बतानी है। क्या क्या निकालनी है? आंसर, जो फोटोन गिरा उसकी एनर्जी, फोटोन के गिरने से जो इलेक्ट्रॉन बाहर गया उसकी काइनेटिक एनर्जी और उसकी स्पीड या वेलोसिटी। और हमें गिवन क्या है? वर्क फंक्शन गिवन है, और क्या गिवन है प्यारे बच्चों? इसके अलावा एक चीज और गिवन है, वेवलेंथ, जो फोटोन आके टकराया उसकी वेवलेंथ मालूम है। तो देखो बेटा, ये पूरा मेरे पास स्पेस की कमी है, तो मैं क्या करता हूँ, इसके जो काम काम के डेटा है वो यहाँ पे नोट कर ले रहा हूँ, फिर क्वेश्चन मिटा रहा हूँ जिससे मैं आपको पूरा समझा पाऊ। देखिए, ये हटा दिया, वेवलेंथ गिवन है, कितनी है लैम्डा 4×10⁻¹ मीटर, ये मैंने यहां से ले लिया। वर्क फंक्शन गिवन है, ये देखो, ये वर्क फंक्शन कितना है 2.13। वर्क फंक्शन गिवन है तो WF लिखा, वर्क फंक्शन 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये गिवन है। निकालना क्या है? एनर्जी ऑफ फोटोन निकालनी है, यानी एनर्जी निकालनी है, और क्या निकालना है? काइनेटिक एनर्जी निकालनी है ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन की, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है ऑफ क्या? फोटो इलेक्ट्रॉन की। और क्या निकालनी है? वेलोसिटी निकालनी है ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन की। क्या निकालनी है? वेलोसिटी, वेलोसिटी भी निकालनी है क्या? फोटो इलेक्ट्रॉन की। तो ये इस क्वेश्चन को मैंने शॉर्ट में ऊपर लिख दिया है कि लैम्डा और वर्क फंक्शन गिवन है, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी टोटल एनर्जी निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है और वेलोसिटी निकालनी है। एनर्जी का मतलब क्या निकालनी है? जो टोटल एनर्जी इसके ऊपर आ रही है वो कितनी है, उस एनर्जी को पाकर जो इलेक्ट्रॉन बाहर गया उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है और उसकी वेलोसिटी कितनी है, किसकी? उस इलेक्ट्रॉन की जो वहां से बाहर निकला। इस पूरी बात को समझाने से पहले थोड़ा ये क्वेश्चन आपने नोट कर लिया है, ये डेटा क्लियर हो गया कहां से आया, अब मैं ये मिटा रहा हूं पूरा बात को समझाने के लिए। ओके, हटा रहा हूं। अब देखें, अब इस पूरी बात को एक डायग्राम से समझो तो आपको हाल समझ में आ जाएगा क्या करना। देखो बेटा, ये सन है, इससे रेडिएशन आ रही है और ये रेडिएशन आकर मेटल पर गिरी, ये मेटल की सरफेस है, तो यहां पे लिख दिया मेटल सरफेस। यहां पर मेटल सरफेस है, यहां पर मेटल के एटम है, ये न्यूक्लियस है, ये क्या है? शेल है, ये शेल है, ये एनर्जी आकर इस इलेक्ट्रॉन पर गिरी, है ना, इस इलेक्ट्रॉन पे एनर्जी गिरी, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकलकर मेटल की सरफेस पे गया। यहां तक मैंने जो काम किया वो वर्क फंक्शन है, उसकी वैल्यू 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, फिर भी उसके पास एनर्जी बच गई, तो उस एनर्जी को लेकर ये इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया और ये एनर्जी कहलाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। साफ नजर आ रहा है, जो सन से एनर्जी आ रही है उसका नाम क्या है? टोटल एनर्जी। क्या नाम है? टोटल एनर्जी।
उससे एक काम हो रहा है वर्क फंक्शन और एक क्या हो रहा है काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे हमें टोटल एनर्जी निकालनी है, बात समझ में आई? क्या निकालनी है? टोटल एनर्जी निकालनी है, बात समझ में आ रही है? क्या निकालनी है? टोटल एनर्जी निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, और जो इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर गया है उसकी वेलोसिटी भी निकालनी है। क्या निकालनी है? वेलोसिटी। एक बात याद रखना, जो सन की लाइट आ रही है, वो जो सन की लाइट आ रही है वो जिन पार्टिकल से मिलकर बनी है वो फोटोन है। सन की लाइट जिस पार्टिकल से मिलकर बनी है वो फोटोन है। तो ये फोटोन वाली रे इसके ऊपर गिरी, फोटोन आकर इसके ऊपर गिरे, उससे एनर्जी लेकर ये इलेक्ट्रॉन पहले सरफेस पर गया फिर बाहर गया। तो फोटोन वो है जिनसे मिलकर ये सूरज की किरण बनी है, और ये इलेक्ट्रॉन पे गिरी, इलेक्ट्रॉन इसको लेकर पहले सरफेस पे गया, इस काम में उन्होंने एनर्जी खर्च करी वर्क फंक्शन के बराबर, फिर भी एनर्जी बच गई तो वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, उसको लेकर वो फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, है ना। तो हमें बाहर जाने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, उसकी वेलोसिटी निकालनी है, और ये भी पता करना है जो सन की लाइट आई उसके जो फोटोन थे उन्होंने टोटल एनर्जी कितनी दी, किसको? इस फोटो इलेक्ट्रॉन को। किसने दी? फोटोन ने एनर्जी। फोटोन कहां से आ रहा है? इस रे ऑफ लाइट में। ये रे ऑफ लाइट छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है, ये छोटे छोटे पार्टिकल ही क्या है? फोटोन। और ये इस पर टकरा रहे हैं, ये फोटो इलेक्ट्रॉन है, ये पहले यहां से यहां पे आएगा फिर बाहर जाएगा। उम्मीद है डायग्राम पूरा समझ में आ गया होगा। अब बताओ क्या पता चला इससे कि टोटल एनर्जी जो सनलाइट से मिल रही है उससे एक काम तो हो रहा है वर्क फंक्शन, और उसके बाद जो एनर्जी बचती है वो कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला एस सी बाई लैम्डा, वर्क फंक्शन का फॉर्मूला होता है एच सी बाई लैम्डा नॉट, या वर्क फंक्शन को ऐसे लिख दो प्लस काइनेटिक एनर्जी। वैल्यू पुट करो, एच का मतलब 6.626 10 की पावर -34, सी का मतलब 3 × 10^8, लैम्डा की वैल्यू कितनी है 4 × 10^-7, वर्क फंक्शन कितना है बोलो 2.13। लेकिन प्रॉब्लम यह है ये वर्क फंक्शन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, किसमें है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। यहां पर ये सारा मैंने लिया है एसआई यूनिट में, तो टोटल एनर्जी अगर एसआई यूनिट जूल में, तो ये भी जूल में होना चाहिए, ये भी जूल में, जूल जूल जूल, तो ये तो जूल में है लेकिन ये किसमें है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इसे भी जूल में बदल दो। अगर ये दोनों जूल में होंगे तो ये आंसर भी जूल में ही आएगा। तो इसे 1.6 × 10^-19 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा मल्टीप्लाई करते ही ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट के क्या बन गए? जूल। तो ये भी जूल, ये भी जूल, तो काइनेटिक एनर्जी भी अब किस में निकल के आएगी? जूल में। यानी कि टोटल एनर्जी जूल में हो गई, वर्क फंक्शन जूल में हो गया इस मल्टीप्लाई करने के बाद, अब काइनेटिक एनर्जी भी जूल में ही निकलेगी। उम्मीद है यहां तक पूरा समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत? अब इसको सोल्व करो जरा, पावर कितनी है? -7 ऊपर गई +7, 7 और 8 15, 34 माइनस का है 15 प्लस का है, तो माइनस की 19 बची, तो 6.626 × 3 × 10^-19 अपॉन कितना? 4। और इधर कितना है? 2.13 × 1.6 × 10^-19 प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब बच्चों आप साफ देख रहे हैं मेरे पास लिखने का स्पेस खत्म है, अब उसको मुझे क्रिएट करना है। तो आप पहले, मैं एक मिनट रुक रहा हूं, आप इस सारे को नोट कर लीजिए क्योंकि इसके बाद इरेज हो जाएगा ये, फिर आपको लिखने का मौका नहीं मिल पाएगा। नोट करिए इसे, सामने से हटा हुआ हूं मैं, फॉर्मूला सारा समझ में आ गया है। क्या लिखा? टोटल एनर्जी बाय सनलाइट, जो सन ने टोटल एनर्जी दी उससे दो काम हुए, एक तो वर्क फंक्शन और फिर जो एनर्जी बची वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। वर्क फंक्शन का मतलब है वो एनर्जी जिसे लेकर ये फोटो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाना बंद कर गया और मेटल की सरफेस पर चला गया। सरफेस पर पहुंचने के बाद भी इस पर एनर्जी अभी बची हुई है, वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई, उसे लेकर ये बाहर चला गया। यहां तक उम्मीद है सारा क्लियर है। अब मैं ये डायग्राम और ये जगह हटा रहा हूं जिससे
सॉल्विंग करके दिखा सकूं ये इरेज करने पर। ये ओके रहा, ये भी इरेज किया। उम्मीद है यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए तीन का मल्टीप्लाई करो। ठीक है भाई, तीन का मल्टीप्लाई करो, करिए भाई। 6 3 18, 8 3 2 6 और 1 7, 3 6 18 और ये 19। ये हो गया मल्टीप्लाई अपॉन कितना लिखा है 4 × 10⁻¹⁹। ये सही है। और इधर कितना लिखा है 2.13 × 1.6 × 10⁻¹⁹ प्लस काइनेटिक एनर्जी। मैं सॉल्व इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कई बच्चों का मैथ ज्यादा अच्छा नहीं होता है और वो सॉल्व नहीं कर पाते, टीचर ऐसे करके छोड़ दे बाकी कर लेना, तो कर भी नहीं पाएंगे इसमें से कई बच्चे। इसलिए मैं पूरा वहां तक कर रहा हूं जहां तक मुझे उम्मीद है कि एक थर्ड फोर्थ का बच्चा भी उसके आगे सॉल्व कर लेगा, वहां तक हमेशा मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। चलिए भाई, अब अगर आप इसको देख पा रहे हैं तो देखो इस चीज को इधर ले आओ, इस चीज को इधर ले आओ। पहले इसको इधर लाने से पहले इसको देखो, ये 8 7 8 के बाद 7 फिर 8 है, तो इसे शॉर्ट में 19.9 सिग्निफिकेंट फिगर लगा के 8 की जगह क्या हो गया 9, क्योंकि 8 के बाद 7 था, अपॉन 4 × 10⁻¹⁹। ये सही। इसको भी इधर ले आओ, इसको भी इधर ले आओ, मल्टीप्लाई पहले कर लो एक बार, फिर लाइए इधर करो भाई। 16 3 48, कैरी कितना 4, फिर आगे यूज कर लो 16 बन जा 16 और 4 20, कैरी 2 और ये हो गया इतना। ठीक, तीन डिजिट बाद पॉइंट यानी 3.408 10⁻¹⁹ प्लस काइनेटिक एनर्जी। 3.408 है, इसे आप शॉर्ट में क्या मान लो, 3.408 है ना, तो इसे 3.40 ही मान लो। तो ये भी हटा रहा हूं, ये भी हटा रहा हूं, 3.4 मान लीजिए इसे, है ना। तो ये हो गया 3.4 × 10⁻¹⁹। इसे इधर ले आओ, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई बोलो, इसको इधर ले गए तो 19.9 × 4 × 10⁻¹⁹ −3.4 × 10⁻¹⁹ = काइनेटिक एनर्जी। ठीक है बेटा, अब 4 का इसमें डिवाइड लगा लो, ये नीचे वाला इरेज कर दूं थोड़ा सा, और 4 का डिवाइड लगाओ जरा, 4 4 = 16, बचे कितने 3.9 हो गया ये, है ना। अब करो भाई, 39 हो रहा है, 4 9 = 36, फिर 3 बचा तो 4.97 10⁻¹⁹ −3.4 × 10⁻¹⁹ = काइनेटिक एनर्जी। कॉमन हो गई 10⁻¹⁹, तो 4.97 − 3.4 = काइनेटिक एनर्जी। इसमें से इसे माइनस कर लीजिए बेटा, माइनस करना आता है ना आपको, माइनस कर लोगे ना, तो कर लो भाई जरा इसे माइनस, अब तो कोई दिक्कत है नहीं। 3.4 और इसमें से माइनस करो, ये लगभग कितना बच गया 10⁻¹⁹, तो ये है ही यहां पर। अरे हाँ या ना, 10⁻¹⁹ कितना है ये बोलो, इतना तो है ही है। इसको इसमें से माइनस करो, बोलो कितना गया, माइनस करके भी दिखा दे यहां पे, 4.97 − 3.40, 7 0 7, 9 में से 4 गया 5, 4 में से 3 गया 1, 1.57। ठीक है, तो ये कर दिया 1.57 × 10⁻¹⁹, या सही से लिख लो तो 1.57 × 10⁻¹⁹ = काइनेटिक एनर्जी। तो ये इसकी काइनेटिक एनर्जी निकल आई, क्या निकल आई, काइनेटिक एनर्जी निकल आई 1.57 × 10⁻¹⁹। तो ये इसकी क्या निकल आई, काइनेटिक एनर्जी, क्या निकल आई, काइनेटिक एनर्जी। यहां तक ओके है, तो ये काइनेटिक एनर्जी नोट कर लो। अब ऊपर से हम सारा इरेज कर दे रहे हैं और काइनेटिक एनर्जी निकल आएगी। अब एक बात यहां पे और देखो कि हमें क्वेश्चन में क्या क्या निकालना था, आंसर काइनेटिक एनर्जी निकालनी थी और टोटल एनर्जी निकालनी थी। टोटल एनर्जी तो यही है,
तो ये टोटल एनर्जी, तो सॉल्व होकर देखो ये भी आ चुकी है, तो ये टोटल एनर्जी हो गई, ये टोटल एनर्जी है। टोटल एनर्जी इक्वल टू क्या था, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल एनर्जी को तो मैंने ये सॉल्व किया ही है, तो ये आंसर है टोटल एनर्जी का। तो टोटल एनर्जी निकल आई, और ये आंसर किसका है, काइनेटिक एनर्जी का। तो काइनेटिक एनर्जी निकल आई, तो दो काम हो गए इसमें, एक तो टोटल एनर्जी आ गई 4.97 10 की पावर माइनस 19, और काइनेटिक एनर्जी आ गई 1.57 10 की पावर माइनस 19। अब ये सारा इरेज करके इन्हें नोट कर लेते हैं। तो देखो भाई, पहला काम टोटल एनर्जी कितनी आ गई, बोलो कितनी आ गई, 4.97 10 की पावर माइनस 19, और काइनेटिक एनर्जी कितनी निकल आई बच्चों, 1.57 10 की पावर माइनस 19। दोनों ही कौन सी यूनिट में है, जूल में। ओके रहा, अब ये सारा मिटाल रहा हूं। अब कहोगे सर वेलोसिटी रह गई, अब वेलोसिटी निकालने में कुछ खास बात नहीं है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर लगा, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू डालो 1.57 10 की पावर माइनस 19, हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10 की पावर माइनस 31 इंटू वी स्क्वायर। अब यहां से वी स्क्वायर की वैल्यू बोलो कितनी हो गई, 2 इंटू 1.57 10 की पावर माइनस 19, है ना, ये इधर चला गया, और अपॉन कितना 9.1 10 की पावर माइनस 31। माइनस 31 को ऊपर ले जाओ, ऊपर के प्लस के 31 हो गए, और दोनों का डिफरेंस हो गया 10 की पावर 12। तो 2 इंटू 1.57 अपॉन 9.1 10 की पावर 12, ये सही है। अरे हाँ या ना, इसमें आप 2 का मल्टीप्लाई कर लो, 2 का मल्टीप्लाई करो, 2 7 जा 14, 4 1 1, और ये बचा 1, ये ठीक अपॉन 9.1 10 की पावर 12। अब इसका अंडर रूट ले लो, वी की वैल्यू निकालनी है, तो 3.14 9.1 10 की पावर 12 का अंडर रूट ले लो, ठीक। 10 की पावर 12 का अंडर रूट तो डायरेक्ट ही कितना हो गया, 10 की पावर 6। 3.14 में 9.1 का डिवाइड लगाओ, 3.14 में किसका डिवाइड लगाओ, 9.1 का डिवाइड लगाओ। चलिए भाई करिए, 3.14 में 9.1 का डिवाइड लगाइए, लगा रहे हैं, लगाओ लगाओ लगाओ, जल्दी से लगाओ, कितना आ रहा है, करिए भाई कितना आ रहा है, डिवाइड लगा लिया। अब उसका अंडर रूट ले लो, कितना ले लो, अंडर रूट, तो अंडर रूट लेने पर आया 0.58, तो 0.58 इंटू 10 की पावर 6 या 5.8 इंटू 10 की पावर 6 यूनिट मीटर पर सेकेंड, कितनी आ गई, मीटर पर सेकेंड। ये एग्जैक्ट में अगर आप करोगे तो 0.584 आएगा, तो ये 5.84 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। तो ये वेलोसिटी निकल आई, ऊपर लिख दे रहे हैं 5.84 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। प्यारे बच्चों, तीन चीजें निकालनी थी, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी, तीनों निकाल दी है मैंने, और ये क्वेश्चन खत्म हो गया है। वीडियो बहुत बड़ा होता जा रहा है इस एक ही क्वेश्चन करने में। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।